बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 25 मई 2020 बरोज़ पीर मुत्तहदा अरब अमारात की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शारजा फिल्मी मेले में 200 फिल्में। बच्चों और नौजवानों के लिए शारजा का बैनल क़ौमी फिल्मी मेला इंटरनेशनल ट्रैक 2 सऊदी फिल्में दिखा रहा है। कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर के लोग घरों में हैं। शारजा फिल्मी मेला फी बेतना सिनेमा के इनवान से बच्चों और नौजवानों को इंटरनेट के ज़रिए दिलचस्प फिल्में दिखा रहा है। अलमदीना अखबार के मुताबिक मेले की इंतज़ामिया का कहना है कि इन दिनों माशरा, फिल्मी आर्ट और हम तुम सब अहम हैं। ज़रूरी है कि सब लोग घरों में रहें और अहले खाना के साथ यादगार लम्हात गुजारें। मई में 7 ममालक की 9 फिल्में नेट पर दिखाई जा रही हैं। इनमें 2 सऊदी फिल्में भी हैं। दोनों का अंग्रेज़ी में तर्जमा भी किया जा रहा है। एक सऊदी फिल्म का नाम सादियतु साबत सुल्तान, सादिया ने सुल्तान को छोड़ दिया है। फिल्म की कहानी यह है कि सुल्तान नामी एक डॉक्टर बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहा है। रोजी रोटी के लिए आइसक्रीम और ट्रक के ड्राइवर के तौर पर काम करने लगा। इसे अपनी बेटी सादिया बेहद अजीज है। वो इसे कहीं दूर सुकूनत पजीर है। डॉक्टर ने अपनी बेटी से ख्यालों की दुनिया में मिलने के लिए कठपुतली को अपनी बेटी समझ लिया है। वो तन्हाई में कठपुतली को अपनी बेटी मानकर इससे मिलता है। एक दिन कठपुतली इसकी ज़िंदगी से गायब हो जाती है। फिल्म सादिया साबत सुल्तान की हदायतकार जवाहरुल आमरी हैं। फिल्म का दुरानिया 30 मिनट का है। नयाफ अज़फ़ेरी और खालिद यसलम ने अदाकारी की है। दूसरी फिल्म का नाम तायुश पुरमन बकाए बहम है। इस फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि 2 मुस्लिम तलबा अमेरिका में एक फ्लैट में साथ में रहते हैं। दोनों को फुटबॉल से जुनून की हद तक प्यार है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं मगर सियासत दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती है। दूरी इस वक्त पैदा होती है जब दोनों को पता चलता है कि दोनों मुख्तलिफ मुस्लिम फिरकों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मालूम होते ही दोनों के दरमियान हंसी मजाक और दिल लगी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। दोनों के दरमियान अचानक फासला बन जाता है। अचानक दोनों का टकराव मोहल्ले में नस्ली तफरीक के अलम्बरदार गुंडे से हो जाता है। इस मोड़ पर दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिल्म तायश के हदायतकार मुअस्सब अल अमरी हैं। फिल्म का दरानिया 14 मिनट का है। ईद उल फितर पर मिस्र में हजारों कैदी रहा। मिस्री हुकाम ने ईद उल फितर के मौके पर इतवार को 5532 कैदी रिहा कर दिए। मिस्र में ईद उल फितर का त्यौहार नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेनज़ीर हिफाजती इकदामात के माहौल में मनाया गया। स्काई न्यूज़ के मुताबिक मिस्री वजारत दाखला के मतहत महकमा जेल खाना जात ने रहाई के सरकारी फैसले पर अमल दरामद के लिए मुतअद्दद कमेटियां कायम कर दी थी, जिन्हें ऐसे कैदियों की फरिश्तें तैयार करने उन्हें रिहा करना था। मिस्री हुकूमत हर साल ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और 6 अक्टूबर के मौके पर ऐसे कैदियों को रिहा कर देती है जो जेलों में अच्छे चाल चलन का मुजाहरा करते हैं और सरकारी माफ़ी के लिए मुकर्रा पॉलिसी के जवाबत पूरे कर रहे हैं। मिस्र ने इस साल दुनिया के दिगर मुल्कों की तरह ईद का त्यौहार सख्त हिफाजती इकदामात के में मनाया। मिस्री हुकूमत मार्च से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, स्पोर्ट्स कहवा खाने बंद कर दिए गए हैं। बड़े इत्माद के मरकज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पूरे मुल्क में जुज़वी कर्फ्यू भी लगाया गया है। अमारात में कोरोना के 781 नए मरीज। मुत्तहदा अरब अमारात में आज इतवार को कोरोना के 781 नए मरीजों की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 29,485 हो गई। अमराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक वजारत सेहत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान माशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले 35,000 अफराद का आम मुआयना हुआ। मुआयने के नतीजे में 781 नए मरीजों का इंकशाफ हुआ। ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना के मरीजों से मेल जोल रखने की वजह से वायरस मुंतकिल हुआ। वजारत ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ एक मरीज हलाक हुआ था जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 245 हो गई। 561 मरीज शफायाब हुए हैं। इनका कोरोना टेस्ट मनफी आया है जबकि शफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 15,056 हो गई है। सदर ट्रंप का फलस्तीन इसराइल मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिका के बेकर इंस्टीट्यूट बराए अवामी पॉलिसी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल और फलस्तीन से मुतालिक मनसूबा दोनों रियासतों के दरमियान तनाज़े में कमी लाने के काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें फलस्तीन की कोई राय शामिल नहीं। वाज़े रहे कि 28 जनवरी को सामने आने वाले इसराइल और फलस्तीन से मुतालिक मनसूबे में मगरबी किनारे के ज़्यादातर हिस्सों को इसराइल को दिए जाने का कहा गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ जेलिटशर ने इस बारे में लिखा कि कशीदगी में कमी की बजाय मनसूबे से दोनों रियासतों के दरमियान सरहद मजीद धुंधली हो जाएगी, क्योंकि इसराइल दाएं बाजू के मगरबी किनारे में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। इंस्टीट्यूट में मशरक वस्ता में अमन और सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात पर काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इसराइल और फलस्तीन के मनसूबे में कुछ मतनाज़ा बातों पर इसराइल की तरफदारी भी की जाती है, जिसमें यरूशलम के दर्जे और यहूदी इलाकों पर तनाज़ात शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि तजवीज़ में फलस्तीनियों की मौजूदा हकूक कुछ थोड़ा ही ज़्यादा पेश किया गया, इससे इसराइल को बैनुल अक़वामी सतह पर अलग थलग माशरती बदली के ख़तरनाक रास्ते पर गामजन किया जा सकता है। इनका मजीद कहना है कि यह मनसूबा दोनों रियासतों के दरमियान माजी में होने वाले मुज़ाकरात को तर्क किए हुए हैं और इसमें कोई मरबूत पॉलिसी भी नहीं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि यह मनसूबा बरसों तक फंसा हुआ रहेगा। फलस्तीनी हुकाम, अरब लीग और इस्लामी तावन तंजीम ने इस मनसूबे को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।